आपके घर में एसी लगा है और वो गर्म हवा फेंक रहा है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हालांकि कई बार ऐसी समस्या हमारे एसी को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से भी आ जाती है। अगर आपका एसी गर्म हवा फेंक रहा है या फिर कूलिंग कम है तो आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं इस वीडियो में जिससे आप इसे ठीक कर सकते हैं। आप कुछ टिप्स को फॉलो करके अपने एयर कंडीशनर की कूलिंग को बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे पहला है फिल्टर की सफाई पर ध्यान दें। कुछ लोग एसी तो दिन भर चलाते हैं लेकिन इसकी फिल्टर की सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। एसी की गर्म हवा फेंकने का ये सबसे कॉमन कारण है, तो फिल्टर की सफाई करना बिल्कुल न भूलें। अगर एसी का फिल्टर साफ है फिर भी कूलिंग नहीं मिल रही है तो आपको इसकी कूलिंग गैस और इसकी पाइपलाइन को चेक करना चाहिए। कई बार ये लीक भी कर रहा होता है जिसकी वजह से कूलिंग गैस बाहर जा रही होती है। कंडेंसर कॉइल में गंदगी जमा होना। अगर आपके एसी के कंडेंसर कॉइल गंदे हैं तो रूम की गर्मी को अच्छी तरह से बाहर नहीं निकाल पाएंगे जिसकी वजह से आपको ठंडी हवा भी नहीं मिल पाएगी। आपको फिल्टर के साथ साथ कंडेंसर कॉइल को भी समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। एसी के साथ फैन का इस्तेमाल करें। अगर आप कुछ ही देर में अपने रूम को ठंडा करना चाहते हैं तो आपको एसी चलाने के साथ साथ सीलिंग फैन को भी ऑन करना चाहिए। हालांकि इस समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि सीलिंग फैन आपको एक या फिर दो नंबर पर ही ऑन रखना है। तो ये थी अभी की खबर। ऐसी तमाम अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।